अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान। आज का हमारा दूसरा लेक्चर जिसमें हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए एक इशू रहा है, कैसे सॉल्व करने हैं भूल जाते हैं अक्सर। तो इंशाल्लाह आप ये लेक्चर देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर सकेंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो मैंने जैसे कि एग्जांपल्स के लेक्चर में भी आपको दिखाया है कि मैंने सारे फार्मूलास जो भी इस चैप्टर में हैं वो राइट साइड पे लिख दिए हैं, और फिर न्यूमेरिकल्स को इस तरह से करना है, गिवन डेटा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट से निकालेंगे, टू फाइंड जो हमें मालूम करने को कह रहा है वो निकालेंगे, फार्मूला जो इनमें से यूज़ होगा वो लिख लेंगे और सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। सो पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। टाइम पीरियड व्हाइट बोर्ड जरा पूरे पूरे साइज का है इसलिए मैं जरा इस तरफ लिख रहा हूं, आप चाहे तो यहां से बाद में लिखें। उसके अलावा व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, इसकी जमीन पे लंबाई कितनी होगी, लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन अर्थ, ई साथ लिख देंगे, ई मतलब ऑन अर्थ कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, फिर कहता है एक दूसरा सवाल उसका जवाब भी दीजिए, वो क्या है, लेंथ ऑन मून, चांद पे, एल एम, एम किसके लिए, मून के लिए। देता क्या है साथ में, कहता है कि जी ई जो है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन अर्थ, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑन मून, चांद के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है, जी ऑन मून कितना है, जी ई बाय 6। क्या मतलब, जी ई की कीमत ऊपर ही दे गई है 10, उसे किससे कर डिवाइड कर लेना 6 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी मून है चांद पे, ग्रेविटेशन एक्सेलेशन कम होता है, ज़मीन पे ग्रेविटेशन एक्सेलेशन ज़्यादा होता है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चांद पे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए जो चीज़ें हमसे पूछी हैं मालूम करते हैं, लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन मून, कौन सा ऐसा फार्मूला है जो सिंपल पेंडुलम के लिए है, सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2/L/g। सो ये फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन क्योंकि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ये फार्मूला कुछ इस तरह से यूज़ होगा, पहले हम यही फार्मूला किसके लिए यूज़ करेंगे, अर्थ के लिए, फिर यही फार्मूला हम किसके लिए यूज़ करेंगे, मून के लिए। ये जो एम या ई है इसे सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे साथ में नहीं, नीचे करके एल मून, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ जिसमें उसने हमसे एल ई लेंथ ऑन अर्थ पूछी है, किसकी, सिंपल पेंडुलम की लंबाई पूछ ली है अर्थ के ऊपर, जहाँ जी ई कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम पीरियड चांद पे और ज़मीन पे उसने सेम ही दिया। हाँ जी, कौन सा फार्मूला, फर्स्ट वन यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 πLe/gE अंडर रूट, इनमें से टी भी है जी ई भी है, 2 वैसे ही कांस्टेंट, पाई की कीमत पता है हमें कितनी होती है, पाई 22/7 यानी के 3.14 है। लें जी, अब एल ई मालूम करना है, एल ई को पहले स्केयर रूट से बाहर निकालेंगे, कैसे निकालें, दोनों तरफ क्या ले लें, स्केयर ले लें, लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा, टी स्केयर किसके बराबर, 4π स्केयर, और ये क्या बन जाएगा, LE/gE। यहाँ से आगे चलें तो क्या बनना है,
ये फैक्टर, चलिए नीचे ही कर लेते हैं, ये फैक्टर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आ क्या करेगा, मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर जी ई किसके बराबर, 4 पाई स्क्वेयर एल ई, एल स्क्वेयर एल ई चाहिए, 4 पाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या करेगा, डिवाइड टू टी स्क्वेयर जी ई ओवर 4 पाई स्क्वेयर, पुटिंग वैल्यूज लिखना है अब बाय पुटिंग वैल्यूज, टी की जगह क्या रखेंगे 2 का स्क्वेयर, जी की जगह क्या रखेंगे 10 अर्थ पे, 4 पाई की जगह 3.14 का स्क्वेयर, और जब इसे हम कैलकुलेटर के साथ साल्व, ऊपर वाली रक में ये 4 बनेगा, ये 4 से कैंसिल, तो क्या बनना है 10 ओवर 3.14 का स्क्वेयर 9.85, इसे सॉल्व कीजिए, आंसर विल बी 1.02 मीटर। ये है पेंडुलम की लंबाई कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन के ऊपर। दूसरे में क्या लिखता है, उसी पेंडुलम की लंबाई कहाँ मालूम कीजिए, मून पे। उसी पेंडुलम को हम कहाँ पे ले गए हैं, चांद पे, वहाँ जाके इसकी क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। फिर हम बच्चों नोट कर लें, कर लिया आप लोगों ने नोट, आगे बढ़ते हैं हम उसी पेंडुलम की लंबाई अब कहाँ मालूम करेंगे, मून के ऊपर, चांद के ऊपर। सेम फार्मूला लेकिन डिफरेंस क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल एम ओवर जी एम, जो अंडर रूट, फिर से लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम एल को सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एल एम ओवर जी एम, एल एम वही रहने दो, तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर जी एम 4 पाई स्क्वेयर एल एम, आगे एल एम उधर ही रह जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर इधर आके, डिवाइड टू टी स्क्वेयर जी एम ओवर 4 पाई स्क्वेयर, पुटिंग वैल्यूज टी की जगह वही है 2 स्क्वेयर, लेकिन जी ऑन मून 1.6 है, पाइस 3.14 है, 2 का स्केयर 4, 4 4 से कैंसिल, तो 1.6 ओवर 9.8 समथिंग, क्या था 9.85 था, ये जब डिवाइड करेंगे लेंथ ऑन मून विल बी 0.17 मीटर। तो देखिए ज़मीन की निस्बत इसकी वैल्यू कम है, सो लेंथ ऑफ मून रिड्यूस हो गई है जब उसे हम कहाँ ले गए हैं, मून के ऊपर, और वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलेशन थोड़ा है, तो लेंथ विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा तो बच्चों अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो जो पहला हमने किया था उसमें हमने दो चीज़ें फाइंड की थी, एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ और दूसरा था लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून। अब दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिखता है जी, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक खलाबाज जो है वो पेंडुलम को कहाँ ले गया है, मून पे ले गया है, और मून पे जाके उसकी लंबाई जो उसने मेजर की, तो वो लंबाई कितनी थी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पेंडुलम की जो लेंथ थी मून के ऊपर कितनी है, 0.99 मीटर। अच्छा जी, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, टाइम पीरियड दे दिया गया है, कैपिटल टी 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, बताइए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो मालूम करें कहाँ पे, ऑन मून। तो पिछले ही न्यूमेरिकल में हमने रिलेशन यूज़ किया था, फार्मूला वो क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल एम जी एम अंडर रूट। अब क्या फाइंड करना हमें, ये फाइंड करना है, इसको इस रिलेशन से बाहर निकालना पड़ेगा, सो हम लिखेंगे
यूजिंग इक्वेशन वन टी इज इक्वल टू टू पाई एल एम जी एम अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमें जी एम साइड पर मिल जाए. क्या बनेगा? टी स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एल एम ओवर जी एम. जी एम उस साइड पे चला जाएगा क्योंकि चीज़ मालूम करनी है, लेफ्ट साइड पे कर लें, बाकी इधर आ जाएगा. सो जी एम विल बी इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एल एम ओवर टी स्क्वायर. ये है जी जी एम का रिलेशन. अब यहाँ हम क्या पुट करेंगे? वैल्यूज दर्ज करेंगे जस्ट. सो मैं यहीं ऊपर ही करता हूँ. कैसे करेंगे? जी एम की वैल्यू किसके बराबर होगी? फोर पाई की जगह क्या पुट करना है? 3.14 का स्क्वायर, एल एम की जगह 0.99 और टी की जगह 4.9 का स्क्वायर. ये वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर यूज़ करते हैं. 3.14 का स्क्वायर 9.85 और नीचे क्या आएगा? 4.9 का स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर तो 24.01. ये वैल्यूज पुट करें ऊपर क्या बनेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 9.85 मल्टीप्लाई बाय 0.99 ऊपर आएगा 39.006 और नीचे 24.01 डिवाइड कर दें 24.01 के साथ, तो आंसर विल बी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ मून. अच्छा बच्चों, चलें बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ. दो न्यूमेरिकल हमने कर लिए. अच्छा जी, तीसरे न्यूमेरिकल में कहता है फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ. एक सिंपल पेंडुलम है और उसकी लेंथ कितनी दे रहा हूँ मैं? अच्छा जी, लेंथ उसकी कितनी है? 1 मीटर. टाइम पीरियड्स मालूम करें कहाँ पे? प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून. अगर उसे ज़मीन पे भी रखा जाए और चांद पे भी लेके जाया जाए तो उसके टाइम पीरियड्स मालूम करें. इसका मतलब टाइम पीरियड कहाँ पे? अर्थ पे भी, और टाइम पीरियड कहाँ पे? मून पे. दोनों जगहों पे मालूम करना है. और आगे लिखता है द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज, जी की वैल्यू ज़मीन पे हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून पे कितनी कहता है? अर्थ से 6 और डिवाइड कर दें अर्थ के ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन को 6 से, तो 10 डिवाइडेड बाय 6 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये वैल्यूज हमें खुद प्रोवाइड कर रहा है. तो चलिए हम मालूम करते हैं टाइम पीरियड ऑन अर्थ टाइम पीरियड ऑन मून. टाइम पीरियड ऑन अर्थ टाइम पीरियड ऑन सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम के लिए ये कुलिया. अर्थ के लिए जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 पाई एल ई ओवर जी ई अंडर रूट. जब इसी को हम मून के लिए करेंगे 2 पाई एल मून ओवर जी मून अंडर रूट. तो क्या करना है अब हमें? हमें इन फार्मूलों के अंदर वैल्यूज़ दर्ज करनी है. टी ही मालूम करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ हैं वो दर्ज करेंगे. सो हम पहली चीज मालूम करते हैं अर्थ पे 2 पाई एल ई ओवर अंडर रूट बाय लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ दर्ज कीजिए. तो टी अर्थ विल बी इक्वल टू पाई की कीमत 3.14 एल ई की जगह 1, जी ई की जगह 10, ये बन जाएगा 6.28 और ये 0.1 का अंडर रूट. हम कैलकुलेटर से करते हैं. 0.1 का अंडर रूट लीजिए
0.31 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 6.28 के साथ, आंसर विल बी इक्वल टू 1.98। और ये क्या है टाइम पीरियड, आलमोस्ट ये टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड, आलमोस्ट 2 सेकंड के बराबर। ये पहला पार्ट हल हो गया जिसमें टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कहाँ मालूम करना था, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये दूसरा करेंगे मून पे, नोट कर लें जल्दी से बच्चों। आगे देखिए ये सेम सिमिलर फार्मूला है लेकिन मून के लिए यहाँ एल एम आ जाएगा, जी एम लेंथ ऑन मून ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ऑफ मून। चलिए अब मून वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, बिल्कुल सेम फार्मूला। फिर से क्या करना पड़ेगा, बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट टी मून क्या आएगा 2 × 3.14 × लेंथ तो सेम है और जी का डिफरेंस है 1.6 और ऊपर क्या आ गया अंडर रूट, ये बन जाएगा 6.28 1 डिवाइडेड बाय 1.6 दैट इज 0.625 अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले लीजिए 0.625 दैट विल बी इक्वल 0.79 मल्टीप्लाई कर दें 6.28 से, आंसर विल बी इक्वल टू 4.9। और ये टाइम पीरियड कहाँ पे है, मून पे है, आपके सामने है टाइम पीरियड बढ़ गया जब उसी टाइम सिंपल पेंडुलम को हम मून पे लेके गए हैं तो टाइम। अच्छा बस वो चौथे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, 3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए। चौथे न्यूमेरिकल में लिखता है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है जो क्या करता है, कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन कितने सेकंड के अंदर, इन 2 सेकंड्स। एक पूरी वाइब्रेशन उसकी कितने सेकंड्स में होती है, यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ वापस आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड। और हमने पढ़ा हुआ है कि द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो बेसिकली हमें क्या दिया गया है, टाइम पीरियड है। किससे करते हैं, जाहिर से कैपिटल टी से, दैट इज 2 सेकंड्स। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू 10 m/s². जी की वैल्यू आप जानते हैं, जी मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, 10 m/s² है। तो क्या मालूम करें, एल की वैल्यू मालूम करें। फार्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए टी इज इक्वल टू 2 πL/g² लिख लो। तो ये हम मालूम करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, टी इज इक्वल टू 2 πL/g². क्या इसमें से मिसिंग है एल, सो लिखेंगे एल अलहदा करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा टी स्केयर 4 π² L/g². यहाँ से L को वहीं रहने दे, ये डिवाइड हो रहा है इधर, आप क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टी चले अगले स्टेप में कर देते हैं 4 π² L, L यहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा T²(g)/4π². अब मैं क्या करूँगा, बाय पुटिंग वैल्यूज, T की वैल्यू, G की वैल्यू, पाई की वैल्यू कंफर्म है, कांस्टेंट है 3.14, दर्ज करें क्या बन जाएगा, L विल बी इक्वल टू 2² G की जगह 10, 4 पाई की जगह 3.14, ऊपर क्या है स्केयर 4 बनेगा और 4 से क्या करेगा कैंसल, ऊपर 10 नीचे क्या बनना है 3.14 का स्केयर लेते हैं 9.85, डिवाइड कर दें
10 डिवाइडेड बाय 9.85 विल 1.01, लेंथ विल बी, और ये यूनिट क्या होगा, मीटर। तो ये है सिंपल पेंडुलम की लंबाई जब टाइम पीरियड 2 सेकंड है उसका। हमने ये लेंथ मालूम कर ली, जी कितना था, ये कांस्टेंट ये पता था, ये था चौथा न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पांचवे न्यूमेरिकल की 10.5। इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। दो सवाल उसने पूछ लिए, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये दो सवाल मुझे पता चल गया उसने पूछ लिए हैं। दिया क्या हुआ है, 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम। मैं आपको ड्रॉ करके पिक्चर देता हूँ। फर्ज कीजिए ये एक पानी का मीडियम है, उसमें से वेव्स प्रोड्यूस होती हुई जा रही है। रास्ते में हमने कोई पॉइंट रखा है, इस पॉइंट से क्या करती हैं जी, 100 वेव्स पास करती हैं, 100 वेव्स गो थ्रू करती हैं, मूव कर लें, चले खोल लें इसे थोड़ा सा, इस पॉइंट से 20 सेकंड के अंदर कहता है 100 वेव्स गुजरी किसी पॉइंट से, मीडियम के रास्ते में कोई पॉइंट था जहां हमने नोट करना शुरू किया, 20 सेकंड के अंदर 100 वेव्स यहां से गुजर गई। तो इसका मतलब टाइम हमें दिया है, टाइम पीरियड नहीं दिया, टाइम दिया है दैट इज़ 20 सेकंड, और नंबर ऑफ वेव्स दी हैं वो कितनी हैं, जिन्हें एन से रिप्रेजेंट करते हैं तादाद, वो है 100, एन 100 तादाद है 100। अच्छा जी, सो तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर वेवलेंथ कितनी हो, वेवलेंथ उन वेव्स की वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं कितनी हो, 6 सेंटीमीटर, मीटर बना लीजिए 0.06 मीटर। तो सवाल, फ्रीक्वेंसी मालूम कीजिए और टाइम पीरियड मालूम कीजिए। पहले हम चलेंगे फ्रीक्वेंसी की तरफ, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला टाइम पीरियड के साथ तो ये है, लेकिन हाँ जी एक तो फार्मूला ये यूज़ होगा, एक फार्मूला मैथमेटिक्स में हम करते हैं सिंपल सा फार्मूला, वो करते हैं कैसे भला, ज़रा गौर कीजिए क्या कहा है उसने, नंबर ऑफ वेव्स 100 है और टाइम कितना है 20 सेकंड्स, तो क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ वेव्स इन 20 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स हैं 100, 20 सेकंड के अंदर 100 वेव्स गुजर रही, और अगर मुझे 1 सेकंड में वेव्स चाहिए हो, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड क्या होगा, 20 उधर जाके डिवाइड कर जाएगा 5, क्या मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव्स हैं 5, 1 सेकंड में 5। तो क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने फ्रीक्वेंसी की, द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। सो बेसिकली ये हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ आ फ्रीक्वेंसी, 7 यूनिट क्या लिखते हैं कि हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी है, और जब फ्रीक्वेंसी आ रही है तो टाइम पीरियड निकालना कितना आसान है। दूसरा ये हमने फ्रीक्वेंसी के लिए किया, टाइम पीरियड के लिए, सो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी इधर कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T और टी इज इक्वल टू 1/f, जगह रिप्लेस हो जाएगी, दर्ज करें कीमत 1/5, आंसर विल बी 0.2 सेकेंड। ये रहा हमारा न्यूमेरिकल जिसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा टाइम पीरियड। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, इंशाल्लाह बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।